Hello viewers, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. Viewers, हम लोग जब भी मीठा खाते हैं तो एक guilt feel होता है कि हमने कुछ unhealthy तो नहीं खा लिया. आज मैं आपके लिए without sugar एक healthy dessert की recipe लाई हूँ जो कि बहुत tasty और nutritious है. इसको घर में बच्चे ही नहीं सभी लोग पसंद करेंगे और इसको ज़रूर try करिए. व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डेट्स बर्फी यानी कि खजूर बर्फी की रेसिपी देखेंगे. ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है. इस बर्फी में मौजूद खजूर में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन B6, B5, कॉपर, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में होता है. खजूर खून की कमी को बहुत जल्द दूर करता है. अगर आप भी खून की कमी से परेशान हैं तो इस बर्फी को ज़रूर इस्तेमाल करें. खजूर आँखों की रोशनी में इजाफा करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है. खजूर में मौजूद विटामिन B5 हमारे बॉडी फैट्स को तवानाई में तब्दील करते हैं. व्यूअर्स, खजूर बर्फी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम खजूर लिया है, 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम, ग्रेटेड कोकोनट और काजू लिए हैं, 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड और पॉपी सीड लिए हैं. मैंने पॉपी सीड यानी कि खसखस को पहले भून लिया था, आपको भी भून कर ही लेना है. व्यूअर्स, मैंने खजूर के सीड्स को निकाल लिया है, आपको भी सीड्स निकाल लेने हैं. फिर हम मिक्सी में इसको ग्राइंड करेंगे. मैंने इसको दर दरा पीसा है, आपको भी दर दरा ही पीसना है. इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे. मैंने कटे हुए बादाम 2 टेबल स्पून डाले हैं, ग्रेटेड कोकोनट डाला है, काजू डाला है. काजू भी मैंने 2 टेबल स्पून ही लिया था. उसके बाद हम खसखस डालेंगे. खसखस को हमें भूनना है. मैंने खसखस को पहले भून लिया था. इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मैंने इसको मिक्स कर लिया है. इसको मॉइस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ा असली घी भी ऐड कर सकते हो. व्यूअर्स, हम डेट्स मिक्सचर को प्लेट में सेट कर लेंगे. सेट करने के लिए घी हमें प्लेट पर लगाना है. मैं घी लगा रही हूँ, इसी तरह से आपको लगाना है. इस पर हम मिक्सचर को सेट कर लेंगे. मैंने मिक्सचर सेट कर लिया है और इसको ड्राई फ्रूट्स और पम्पकिन सीड से गार्निश किया है. आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उससे इसको गार्निश कर सकते हो. इसके बाद मैंने इस पर सिल्वर पेपर लगाया है. ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास सिल्वर पेपर अवेलेबल हो तो आप लगाएं, वरना ये ऑप्शनल है. इसके बाद हम इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे. 30 मिनट होने के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है. आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप में कट कर सकते. व्यूअर्स, खजूर बर्फी बहुत ही हेल्दी होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है. इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए. इसको घर में बच्चे ही नहीं सभी लोग पसंद करेंगे. व्यूअर्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.